अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त एहतिशाम अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं शाम सवेरा ओहो राघव भाई का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं अपना बता दूं, मैं पाकिस्तान से हूं। राघव भाई मेरे बहुत अच्छे और प्यारे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें नानजुन डोम की सिचुआन यूनिवर्सिटी वांगजियन कैंपस में उन्हें एक वीडियो चाहिए कि यहाँ पर डोम कैसे हैं और हमारा जो हमें जो यूनिवर्सिटी ने जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं वो कैसी हैं। तो आज की जो वीडियो है स्पेशल राघव भाई की रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये वीडियो करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल तो बंद पड़ा है ना। तो राघव भाई के लिए तो हम कुछ भी, राघव भाई तो अपने प्यारे भाई हैं। तो हम आज आपको दिखाएंगे कि इस जगह पे जहाँ पर हम रहते हैं नानजुन डोम इन्हें कहा जाता है, ये चाइनीज़ की असल में डोरमेट्री है, लेकिन यहाँ के 6th फ्लोर के ऊपर एक बिल्डिंग में हमें जगह दी गई है जहाँ पर हम अपना जो है ना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं चाइना में। तो आपको ले चलते हैं नानजुन डोम की तरफ, दिखाते हैं कि बिल्डिंग कैसी है, बाहर से सराउंडिंग कैसी है और साथ में शॉप्स भी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक शॉप है, लेकिन आज बंद है क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो इस वजह से सारे छुट्टियों पर हैं। और ये इंटर हुए, हम वहाँ से इंटर चलते हुए हैं, ये हमारा मेन एंट्रेंस थी, वहाँ से हम इंटर हुए जहाँ से हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। तो आते ही आप ये सराउंडिंग देखें, ये बिल्डिंग 1 है, ये बिल्डिंग 2 और इसके पीछे बिल्डिंग 3। ये नानजुन डोम है जहाँ पर हम रह रहे हैं, बैचलर के स्टूडेंट जो रह रहे हैं। मास्टर के लिए होंगवा होटल है, वो अलग जगह है, ठीक है। ये सराउंडिंग में देखें क्या खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं और कटिंग वगैरह बड़ी खूबसूरती, सफाई रोज़ाना की रोज़ाना होती है। और ये पार्किंग है, हर बिल्डिंग के सामने आप अपनी साइकिल या कोई भी छोटी मोटी व्हीकल्स हैं जैसे मोटरसाइकिल आप खड़ी कर सकते हैं। कचरे की डस्टबिन पड़े हैं, ये आएंगे अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से ले जाएंगे। और स्पेशली वहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, वो जो सामने बॉक्स देख रहे हैं मशीन टाइप का, वहाँ पर आप अपना कार्ड पुट करते हैं, पुट करते ही आपके कार्ड रिचार्ज हो जाता है। किसके लिए कि आपको हॉट शावर मिल जाता है जहाँ से आप गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं नहाने के लिए, मोस्टली नहाने के लिए यूज़ हो सकता है, बाकी चीज़ों के लिए तो आप ठंडा ही चलता है और ठंड बड़ी है वैसे। अभी आपने बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2 और बिल्डिंग 3 देखी और पार्किंग की जगह उसके गिर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स हैं वो दिखाई आपको। अभी जो है सबसे पहले मैं आपको नीचे जो लॉन्ड्री शॉप है ना, लॉन्ड्री शॉप तो नहीं लॉन्ड्री प्लेस है, वहाँ मैं आपको पहले विजिट करा लूँ ताकि जो है ना आप वो देख सकें कि हम जो लॉन्ड्री करते हैं वो कैसी है। हर बिल्डिंग की अपनी डाउन फ्लोर पे, 1st फ्लोर के ऊपर अभी लॉन्ड्री की जगह है, लेकिन एक कॉमन एरिया है जहाँ पर हम लॉन्ड्री जो है ना वो करते हैं। पहले हम आपको वो दिखाते हैं, ये जगह आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर अपने कपड़े सुखा सकते हैं, बहुत ही खुला एरिया है, बड़ा खूबसूरत सा ये ऊपर जगह लगी हुई है। आप अपने हैंगर में कपड़े धो के लटका दें, आपके सूखते रहेंगे। ये स्टेयर भी पड़ी है, आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। और अगर आपने धूप में सुखाने हैं तो ये जगह धूप के लिए भी है, थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है लेकिन ये जगह धूप के लिए है। और ये है हमारी लॉन्ड्री शॉप, ये सारी मशीनें पड़ी हैं यहाँ पर, आप सब देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2-3 बिल्डिंग है तो इसलिए ये बहुत जो है ना मुनासिब है। ये वाशिंग के लिए आप यहाँ पर वाश कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने कपड़े सुखा भी सकते हैं और डिटर्जेंट भी अवेलेबल है। अभी अपग्रेड हुआ सारा सिस्टम और पे करेंगे तो ही चलेगा, और जाहिर सी बात है। और आपको ना लॉन्ड्री के लिए पे करना पड़ेगा क्योंकि बैचलर के स्टूडेंट हो, आपको फुल अथॉरिटी तो और फुल सहूलियात तो नहीं दी जा सकती, चाइना है आखिरकार, यूरोप तो है नहीं। तो चलते हैं बिल्डिंग के ऊपर, आपको अपने रूम वगैरह दिखाते हैं। वैसे बता दूं रूम कुछ साफ सफाई मैंने को नहीं की हुई, ये तो आप लोगों को पता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जैसे रहते हैं, तो हमारा वही हिसाब किताब है। तो चलते हैं आगे बिल्डिंग के अंदर, आपको अंदर का सारा माहौल दिखाते हैं। दोस्तों जैसे ही वहां से हम इंटर होते हैं, ये 1 ब्लॉक है, ये 2 1 बिल्डिंग है, ये 2 बिल्डिंग है, तो 2 बिल्डिंग के हम ब्लॉक 2 में रहते हैं क्योंकि उस तरफ ब्लॉक 1 है। वहां पर एक गेट है सामने, वो जो बैक है उसके सामने एक गेट है, और एक ये गेट है, ये ब्लॉक 2 का गेट है क्योंकि हमारा अपर फ्लोर में ब्लॉक 2 में रूम है, तो आई थिंक सो ये ओपन हो जाएगा ना। हाँ ये ओपन हो रहा है, लेकिन नॉर्मली इसके लिए यहाँ पर कार्ड लगाना पड़ता है, स्कैन किया जाता है तभी ये ओपन हो सकता है, लेकिन अभी ये ओपन हो रहा है। ओपन होते ही सामने वो कैमरे की आंख आपको देख रही है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नीचे सेक्शन पे लॉन्ड्री की जगह है, मैं आपको पहले अपर जो लोअर फ्लोर पे लॉन्ड्री है वो प्लेस दिखा दूँ। यहाँ पर तकरीबन 3 लॉन्ड्री की जगह मशीन रखी गई है, और ये हमारे सैफ भाई हैं बांग्लादेश से। ये 3 जगह हैं, आप यहाँ पर अपने कपड़े सुखा भी सकते हैं, वॉश करें और इंजॉय करें। अभी ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर सेक्शन दिखाते हैं। तो जैसा कि हमारे यहाँ तो ग्राउंड फ्लोर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना
सर, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे पाकिस्तान में तो मोस्टली ये ग्राउंड फ्लोर होते हैं, और फिर अगर नीचे कोई हो तो उसको बेसमेंट कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर है और इसी तरह आगे चलते गए क्योंकि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होता है। तो ये सीन है, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर कोई लिफ्ट वगैरह का कोई सीन चक्कर नहीं है, आप सीढ़ियों से ही अपनी सेल्फ सर्विस करेंगे। फ्लोर टू, इसी तरह फ्लोर सिक्स के ऊपर जाते हैं, छठे फ्लोर के ऊपर। 3, 4, 5, 6 फ्लोर। तो 6 फ्लोर के ऊपर पहुँच चुके हैं, सांस भी चढ़ चुका है, सही है, बताना किसी को नहीं। और जाते जाते राघव भाई के चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना यार, आपका कितना ख्याल रखते हैं। तो आगे दिखाता हूँ मैं कैमरे से। छठा फ्लोर, एक ये गैलरी ब्लॉक टू की ये गैलरी, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन में सारे रूम्स हैं, 6 to 3 ये डिफरेंट रूम्स हैं। हम आपको अपने रूम की तरफ लेके चलते हैं, हमारा रूम है 6 to 8, बहुत करीब है वाशरूम वगैरह के, पब्लिक बाथरूम के। तो ये इंटर हो गया रूम में, कॉमनली सारे रूम एक जैसे ही होते हैं, और इसमें ये मेरे दोस्त ने अपना प्राइवेट बेड बनाया हुआ है, ये उसके अलमेरा है, सारा स्टफ पड़ा है, और माशाल्लाह से ऐसी चीज़ें बाय करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये सारा स्टफ उसका पड़ा है, ये देखें ये इसका ही है माशाल्लाह से, और वो नहीं बताऊंगा वो क्या है, समझ आना वो क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पड़ी हैं यूज़ की, आपको पता है ये किसके इस्तेमाल होता है, इसका क्या इस्तेमाल है, ये तो वैसे दूध है, ये भी मसाले वगैरह, ये सारी स्पेशली मेडिसिन है मेरी, मैं बीमार हो गया था चाइना आके, फूड मुझे जो खाना था मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा जिस वजह से। और ये मेरा बेड है, रजाई की क्या हालत है, ये हमने वाटर कूलर रखा हुआ है, लैपटॉप ये सारी चीज़ें, और ये हमने खुद अपने मैनुअली चीज़ें लगाई थी हैंगर्स ताकि हमारा हो जाए। और आपको बालकनी दिखाते हैं, ये हमारी बालकनी है, जैसे हम रूम सेंटर होते हैं आगे सामने छोटी सी बालकनी दी हुई है, ये स्टेप पड़ा है, ये ऊपर हैंगर लटकाने के, अगर कपड़े नीचे से धो के आप यहाँ पर लटका के सुखा सकते हैं, और बड़ा खूबसूरत सा माहौल नजर आता है, क्या कमाल है यार, हाँ खूबसूरती है कि नहीं, इसको तो कहते हैं खूबसूरती। तो ये छोटी सी थी आज आपको, मैं आपको दो चीज़ आपको मैंने रूम की बतानी थी, एसी आपको अवेलेबल है लेकिन आपने यहाँ एसी को खुद रिचार्ज करना है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी बाय करेंगे तो चलेगा वरना नहीं चलेगा, समझे, क्या क्या चीज़ बाय करनी है आपने, एसी के पैसे खुद देने हैं, लॉन्ड्री के पैसे खुद देने हैं, कुकिंग तो यहाँ पर अलाउ नहीं है, कुकिंग आप कर नहीं सकते, तो खाना आपने बाहर से खाना है इस डोम में जो हम यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये चाइनीज डोम है इसलिए, तो स्टाफ सारा बिखरा हुआ है भाई, मुझे पता है आप लोगों का, आप लोग बहुत प्यारे और खूबसूरत लोग हैं, तो आप लोग इस चीज को माइंड नहीं करेंगे कि हम किस तरह रहते हैं, लेकिन इसे जज भी मत करना कि हम बहुत गंदे रहते हैं, ठीक है। इस सुबह उठते ही पहले मैंने काम भाई राघव को किया, मैंने कहा यार पहले काम भाई राघव को करना है, बाकी काम दूजा। अभी आपको ले चलते हैं पब्लिक बाथरूम की तरफ और वॉशरूम की तरफ, वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपना व्लॉग एंड करते हैं और राघव भाई को वीडियो सेंड करते हैं और कहते हैं कि भाई हमने अपना काम पूरा कर दिया, और मदद तो कर बनती है, और आप लोग मेरी मदद के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक कमेंट कर दीजिएगा, राघव भाई को रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि भाई माफ कर दें थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, कमेंट लाजमी कीजिएगा अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है तो। ये गैलरी है ब्लॉक टू की, यहाँ पर ये तीन सिर्फ रूम है, हम पाकिस्तानी दोस्त भाई रहते हैं, यहाँ पर ये रूम खाली है, यहाँ वो उज़्बेकिस्तान के दोस्त हैं वहाँ भाई रहते हैं, बाकी एक रूम को मुझे पता नहीं है वहाँ पर कौन रहता है, लेकिन उससे अगला रूम है वहाँ पर मलेशिया दोस्त है, मलेशिया से हमारा क्लास फैलम वो रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पब्लिक वॉशरूम है और ये बाथरूम है, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आपको छोटा सा माहौल दिखा दूँ बाहर का, मुझे खूबसूरत लगती है ये नेचुरल ब्यूटी, और आपको कैसी लग रही है, क्योंकि दरख्त की वजह से यहाँ की खूबसूरती है, दरख्त बचाओ और अपनी कंट्री को सुधारो, चाहे पाकिस्तान चाहे इंडिया चाहे बांग्लादेश जहाँ से भी देख रहे हैं आप। ये बाथरूम है यहाँ के पब्लिक बाथरूम, 4 बाथरूम है ब्लॉक 2 के, और यहाँ पर ये हमारा यूनिवर्सिटी कार्ड होता है, ये हम यहाँ पर लगाते हैं, ये पैसे हैं, चलते हैं, ये हम शावर ऑन करते हैं, तो गर्म पानी अभी जो है ना गर्म पानी नहीं आया क्योंकि गर्म पानी का टाइम नहीं हुआ, ठीक है। तो साथ ही ले चलते हैं वॉशरूम की तरफ, ये हमारे पब्लिक वॉशरूम है ब्लॉक 2 के, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, और सफाई देखें हर वक्त जाते हैं, सफाई वगैरह करके जाते हैं, यहाँ पर अमला बहुत अच्छा है, आपकी सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, आपको देख सकते हैं
ये स्टैंडिंग वॉशरूम है। आई डोंट नो हाउ टू से इन इंग्लिश एंड उर्दू आई आल्सो डोंट नो, ओके इसलिए इंग्लिश में बता रहा हूँ, तो एंजॉय करो। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो थी जो राघव भाई ने मुझे कही थी कि आप दोस्तों को उन्होंने दिखाना है कि यहाँ पर जब हम रहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट चाइनीज डॉर्मेट्री में फंगजन कैंपस सिचुआन यूनिवर्सिटी में, तो हमारा लिविंग के लिए क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज इन्होंने दी हुई हैं। शुरू से स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर से बताता हूँ। आपको अपने लॉन्ड्री के पैसे खुद देने पड़ते हैं, आपको अपने एसी जो है उसका रिचार्ज खुद करना पड़ता है, कुकिंग यहाँ पर अलाउ नहीं है और कुकिंग के लिए आपको बाहर से खाना खाना पड़ेगा। और लेकिन इसकी जो फीस है ईयरली 1500 RMB लेते हैं और 1500 RMB साल का आपका सुकून है, ऐसे माहौल है, दो बंदे रूम में है, कितना सुकून का माहौल है। वैसे दूसरे जो कैंपस है जयंगा कैंपस, वहां पर 4 बंदे एक रूम में रहते हैं, कुकिंग अलाउ है वहां पर। तो कुछ बेनिफिट है, कुछ साइड इफेक्ट है। बेनिफिट इस तरह के, दो रूम बड़ा सुकून का माहौल होता है और दो बंदे एक रूम में और खूबसूरत सा बड़ा खुले खुले रूम है। और जयंगा में मैंने चक्कर लगाया था और उम्मीद है आपने जयंगा की वीडियो देखी होगी, वहां के कैंपस की, वहां के जो है डॉर्मेट्री की, उससे शायद ये आपको अच्छा लगा होगा। पर्सनली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे उस हिसाब से जो ये डोम है मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर आप आते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 6 to 8 रूम है, आपने देख लिया ब्लॉक 2 में, इसके अलावा आपको कहीं नहीं डालेंगे, ब्लॉक 1 में डालेंगे या ब्लॉक 2 में डालेंगे, सही है। अगर आप यहाँ पर आते हैं आप मुझसे मिलें, आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी हम करेंगे भाई जान, हाजिर हैं आपके भाई, आपके दोस्त, कोई भी मसला परेशानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप ही मुझे इजाजत दीजिए, उम्मीद है राघव भाई आपको सारी डिटेल समझा देंगे, अगर मैंने कुछ छोड़ दी होगी तो, और कुछ रह गया हो तो माफ करना, इंसान है भूल जाता है। और बहुत अच्छा लगा आपको, मुझे नहीं, मैंने तो आपको देखा नहीं है। अच्छा, खुदा हाफिज़।